गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुंदर से पहाड़ से, और ये है जो घाट वाली नदी आती है, और आगे है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में जो संगम होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पे होता है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। और जो ये वाली रिवर जा रही है ये भी वहीं पे मिलती है, और यहाँ भी धूप नहीं आई, बहुत ठंड हो रही है और ठंड से हालत खराब हो रही है अभी। और ये देखो हमारा इतना सारा लगेज है, और अभी यहाँ धूप नहीं आई, थोड़ी सी धूप आ रखी है। हम मिलते हैं आप लोगों से नंदप्रयाग में, जहाँ पे संगम होगा। जहाँ जहाँ पे संगम होता है मैं हर वीडियो दूंगी आप लोगों को, जैसे कि नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग एंड ऋषिकेश गंगा रिवर। बाय बाय। फाइनली पहुंच चुके हैं हम नंदप्रयाग, और ये देखो यहाँ पे हो रहा है संगम। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम यहाँ पे होता है। ये ऊपर जो रिवर आ रही है ये आ रही है जोशीमठ साइड से, और जो ये वाली रिवर आ रही है ये आ रही है ऊपर नंदप्रयाग से। तो ये रहा नंदप्रयाग का व्यू, और ये बस नंदप्रयाग का गाँव है, बट वो मार्केट पीछे है, और यहाँ पे संगम हो रहा है, और ये व्यू है। अभी धूप थोड़ा आ गई है, और वैसे तो मौसम ठंडा ही है। और अब मिलते हैं थोड़ा आगे, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, और अभी मेरे को हो गया है जुकाम सा हो रहा है थोड़ा, बहुत ठंडा है मौसम यहाँ पे। और कर्णप्रयाग में अभी दिखाती हूँ आप लोगों को संगम। और ये पीछे देखो, हम अभी यहाँ पे भर रही है बाइक में हवा, और ये देखो कहीं पे मिला ही नहीं बाइक में हवा भरने का, यहीं पे मिला। बहुत देर से पूछते हुए आ रहे, कोई भर ही नहीं रहा, बट यहाँ पे भर रहे हैं अभी हम हवा। और ये देखो गाँव इतना सुंदर है यहाँ पे कर्णप्रयाग का, बहुत प्यारी लोकेशन है। और थोड़ी देर में दिखाते हैं संगम। फाइनली हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग, और यहाँ पे उस साइड हो रहा है संगम। और यहाँ पे संगम हो रहा है अलकनंदा और पिंडर नदी का, और ये है पिंडर नदी जो इधर से आ रही है। ये पिंडर नदी की लोकेशन है, और पिंडर नदी आ रही है उधर से। इसको ये हिमनदी भी बोलते हैं। इसको हिमनदी बोले तो जो ऊपर पहाड़ों से बर्फ पिघल के आ रही है, और ये वाली पिंडर नदी वो वाली अलकनंदा। मैं दिखाती हूँ, thank you।
जो कि केदारनाथ से आ रही है, और केदारनाथ में 1 किलोमीटर आगे जो जहाँ पे मंदिर है, मंदिर से पीछे जो वो है ना, तो चौरा बारी ग्लेशियर, जहाँ से 2013 में आपदा आई थी वही ग्लेशियर टूट गया, वो ग्लेशियर पिघल के ये वाला मंदाकिनी ग्लेशियर गाइस। सो हम पहुंच गए हैं, देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, और हमें लगी है, हमें छोड़ो मुझे लगी बहुत थक, मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के, और मैं रुक रखी हूँ अभी पीछे, थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट दे रखा है, और आगे देखो क्या प्यारी लोकेशन है, रिवर बह रही है, वो वाली बहुत तेज धूप हो रही है यहाँ पे, यार यहाँ पे बहुत धूप नहीं हो रही, यहाँ पे बैठ जाओ, तो अब हम रुकेंगे लंच करने के लिए 3 धारा में, फिलहाल के लिए बाय बाय और सकल ऐसी। और ये देवप्रयाग का लोकेशन है, ये इधर कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है ये, और ये देवप्रयाग का जो भी मार्केट वगैरह होगा ये रहा, वो इस साइट है मार्केट वगैरह, और जो वो बना हुआ है वो आई डोंट नो क्या बना हुआ है, बट कुछ अच्छा है, प्यारा सा लोकेशन। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, और ये रहा देवप्रयाग का संगम, वो उधर से आ रही है भागीरथी नदी, और ये है अलकनंदा, ये अलकनंदा आ रही है और वो भागीरथी आ रही है, जिसका थोड़ा ग्री वो वैसा पानी लग रहा है ना, वो भागीरथी है और ये अलकनंदा है। तो ये संगम हो गया यहाँ पे देवप्रयाग का, और यहाँ से बन गई है ये गंगा, गंगा रिवर जो ऋषिकेश हरिद्वार में बहती है वो हो गई गंगा, एंड जो भागीरथी नदी आ रही है वो आ रही है टिहरी एंड उत्तरकाशी से, उधर ही साइड से, और ये जो अलकनंदा है ये हो गई आपका नंदप्रयाग, देवप्रयाग एंड कर्णप्रयाग से। और फिर यहाँ पे हमने करा लंच ऑर्डर, जिसमें कि हमें मिली 2 रोटी एंड सब्जी कड़ी और थोड़ा सा सैलेड एंड दाल, और सेम थाली सेकंड ये वाली भी वैसी है, और इसके बाद मैं अपने लिए मंगाऊंगी थोड़ी सी राइस, क्योंकि मुझे राइस खाने का दिल हो रहा है।